एक मूवी देखी है द बीच हाउस। ये एक हॉरर मूवी है भाई। मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन अब इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया। बच्चों चलिए बात करते हैं, क्या ये मूवी हॉरर के जॉनर में कुछ बढ़िया करती है या नहीं करती। इस मूवी में कहानी फोकस करती है रेंडाल और इमाइली नाम की लड़की पर, जिनके रिलेशनशिप में कुछ दराड़ें आ रही है, क्योंकि रेंडाल नाम का लड़का देखने मिलता है। उसके भाई बाप का बीच के साथ एक घर होता है जो कि खाली पड़ा होता है। तो वो अपने रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देने के लिए उस घर में आते हैं, लेकिन उस घर में पहले ही कोई रह रहा होता है, एक कपल भाई। तो वो जो कि कपल होता है वो कहता है हम एडजस्ट कर लेंगे, तो भाई ये भी वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ उस बीच पर हमें और कोई भी बंदा देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो के साथ में बीच होती है ना, वहाँ पानी से एक धुंध किस्म की निकलती है, जो कि भाई जो भी उसकी आड़ में आता है तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब इन्फेक्शन शुरू हो जाता है तो क्या इमाइली और अपना रेंडाल बचेगा या नहीं, इसी चीज़ को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा स्लो देखने को मिलता है, यानी कि मूवी में ये जो इन्फेक्शन फैलता है 45 से 50 मिनट इन्फेक्शन होने तक निकल जाते हैं, और कोई लॉजिकल आंसर नहीं दिया जाता है। कोई फॉग निकलता है, कोई लाइट निकलती है, और उसी की वजह से ये इन्फेक्शन फैल जाता है और लेटर कुछ और हो जाता है। वैसे सीन क्रिएट किए गए, यानी कि उनकी जो कि एडिटिंग है वो आपको अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि भाई एक्टर्स का परफॉर्मेंस है जो कि मेन इमाइली लैम की लड़की हीरो आपको देखने को मिलती है, उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। हॉरर जॉनर है हॉरर, तो ये मूवी मैं इसको बिल्कुल भी बोलूँगा नहीं भाई साहब। तो जिस तरह इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ऊपर से आपको इस मूवी की जो कि एंडिंग है वो एकदम बेकार देखने को मिलती है भाई। मूवी ने बिल्कुल भी मज़ा नहीं दिया। मूवीज काफ़ी पहले रिलीज हो चुकी हैं, इसी तरह की इन्फेक्शन फैलता है, लेकिन उसमें भाई बहुत ही ज़्यादा स्लैशर हॉरर पन देखने को मिलता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर मैं इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से तो 2 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं मेरे खत्म। चैनल पर नया हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।